नमस्कार, प्रणाम पहलाग आप सभी को। इंस्टेंट मूंग दाल बड़ी की रेसिपी आज मैं लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, झटपट से बनके तैयार हो जाती है। उसका स्वाद आपको पारंपरिक मूंग दाल की बड़ी की तरह ही आएगा। झटपट से मूंग दाल की बड़ी बनाना शुरू करते हैं। झटपट से बनने वाली मूंग दाल बड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग दाल। मैंने यहाँ पे छिलके वाली मूंग दाल ली है, कटी हुई। आप यहाँ पे साबुत मूंग दाल भी ले सकते हैं। आधी कटोरी मूंग दाल ली है, इसे हमें भिगोना है। आप चाहें तो ओवरनाइट भी हो सकते हैं और 2 घंटे पहले भी इसे भिगो सकते हैं। आधी कटोरी मूंग दाल को मैंने यहाँ पे पहले से भिगो के रखा है। आधी कटोरी मूंग दाल थी, 1 कटोरी हो गई है भीग के, और ये अच्छे से अब भीग भी चुकी है। तो मूंग दाल को हम सबसे पहले धो लेते हैं 3 से 4 पानी। अब भीगी हुई मूंग दाल को हमने पीसना है, तो मिक्सर जार लेते हैं और भीगी हुई मूंग दाल को जार में डाल देते हैं। यहाँ पर 1 हरी मिर्च काट के लिए हैं सभी चीजें, तो डाल देते हैं जार में। दाल में मिक्सर जार में यहाँ पे पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी, इसे बिना पानी के पीसते हैं दरदरा। दाल को भी यहाँ पे पीस लिया है मैंने, दाल को हमने दरदरा ही पीसा है। देखिए दाल का टेक्सचर। आज की रेसिपी में हमें दरदरा ही मूंग दाल चाहिए पीसी हुई। पीसी हुई मूंग दाल को थोड़ा सा निकाल लेते हैं अलग बर्तन में। 4 चम्मच पीसी हुई दाल मैंने अलग से निकाल ली है और आधी दाल बची हुई दाल को जार में ही रखा है। अब फ्लेम को ऑन करना है और कढ़ाई को रख लेना है। मैं इसे बना रही हूँ सरसों के तेल में, आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच ले लिया है तेल। तेल भी अब गर्म हो चुका है, तो गैस की फ्लेम को लो करते हैं और डालते हैं 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग। हींग जरूर डालें इस सब्जी में, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और हींग डाइजेशन के लिए भी अच्छी रहती है। हींग और जीरे को भी यहाँ पे भून लेना है। तो हींग और जीरा भी भून चुका है, तो अब यहाँ पे लेते हैं लहसुन। 6 से 7 कली लहसुन के लिए है। साथ में ही ले लेते हैं अदरक 1 बड़ा चम्मच। अब लहसुन अदरक को भी यहाँ पर हल्का सा ब्राउन कलर आने तक भून लेते हैं। लहसुन का कलर भी यहाँ पे चेंज हो गया है, तो अब लेते हैं यहाँ पर 4 हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज का प्याज काट के लिया है। प्याज और हरी मिर्च को भी यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। 1/2 से 1 मिनट प्याज और हरी मिर्च को भी भून लेते हैं। 1/2 से 1 मिनट प्याज को भी भून लिया है, हल्का गुलाबी प्याज हो गया है, इतना ही भूनना है प्याज को। अब लेते हैं यहाँ पर कुछ मसाले। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा स्वाद अनुसार, या फिर 1 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा नमक ले लें यहाँ पर। 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो मसाले को यहाँ पर हल्का सा भून लेते हैं। मसाले को मिक्स करते हुए साथ में डाल लेते हैं यहाँ पर 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक काट के लिया है। 10 से 20 सेकेंड सभी चीजों को भून लेते हैं। मसाले भी यहाँ पर भून लिए हैं। अब लेते हैं यहाँ पर पानी, 1 कप पानी। एक और टमाटर को यहाँ पे पका लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है और ऊपर से रखते हैं एक जाली। मैंने यहाँ पे जाली ली है, आपके पास दूर ढंगने वाली जाली है तो उसे भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, और अगर जाली नहीं है तो कटोरी के ऊपर से प्लेट रख के भी आप यहाँ पे इसे तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ली है मूंग दाल। मूंग दाल को एक बार हम मिला लेते हैं इस तरीके से। बहुत बड़ी नहीं बनाएंगे, थोड़ा मीडियम साइज की ही बनाएंगे इस तरीके से, बहुत ज्यादा ना बड़ी ना छोटी, इस तरीके से रखते रहते हैं जाली के ऊपर। तो सभी मूंग दाल की बड़ी को हम इस तरीके से बर्तन में फैला लेते हैं। पानी का इस्तेमाल हमने नहीं किया मूंग दाल को पीसने में, इसलिए बड़ी को यहाँ पे रखने में आसानी रहती है। सभी बड़ी को भी मैंने जाली के ऊपर फैला लिया है। अब जाली के ऊपर लगाना है ढक्कन और छोड़ देते हैं इसे 5 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट मैंने इसे चेक करा था लेकिन ये नहीं हुई थी, हमने इसे कवर कर लिया था वापस से। बड़ी को चेक करते हैं, बड़ी आसानी से उठ के ऊपर आ रही हैं, बड़ी तैयार हो चुकी हैं। तो प्लेट को निकाल लेते हैं बाहर, जाली को निकाल लेते हैं। अब मसाले को भी देखते हैं, तेल ऊपर आने लगा है, मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे पीसी हुई दाल, पीसी हुई मूंग दाल ऐड करेंगे। जार में डालेंगे 1 कप पानी। मिक्सर जार में ही मैंने 1 ग्लास पानी डाल के इसे मिलाकर डाल दिया है कढ़ाई में।
गैस की फ्लेम को हाई करते हैं और पानी यहाँ पे और लेते हैं। 3 से 3.5 ग्लास पानी ले लिया है। अब आने देते हैं कि इसमें उबाल, दाल में भी अच्छा उबाल आ गया है तो अब यहाँ पे हम डाल लेते हैं बड़ी। बड़ी भी यहाँ पे आसानी से निकल जा रही है, ये देखिए। गैस की फ्लेम को मीडियम करते हैं और पकने देते हैं इसे 2 मिनट। 2 मिनट पूरे हो गए हैं तो ढक्कन को उठा लेते हैं। दाल भी हमारी तैयार है तो अब यहाँ पर डाल लेते हैं हम कसूरी मेथी 1 बड़ा चम्मच। आप मूंग दाल बड़ी की सब्जी को आप सब्जी भी कह सकते हैं, दाल भी कह सकते हैं। इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खाएंगे। तो इनको यहाँ पे बंद करते हैं। बड़ी को हमने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है, देखिए छोटी छोटी बड़ी बनी है जो खाने में अच्छी लगती है और बन भी आसानी से जाती है। इसका स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा। जिस तरीके से पारंपरिक बड़ी बनाई जाती है उसी तरीके से आपको इसका स्वाद लगेगा, लेकिन हमने इसे झटपट से बना के आज तैयार किया है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलती हूँ मैं कल फिर एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।